Hello friends, my name is Vaibhav Garg and I am from Lucknow. I am also a Rashtrapati Scout of Northern Railway Bharat Scouts and Guides. So आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वीपिंग कैसे की जाती है. बेसिकली वीपिंग होती क्या है पहले तो ये समझिए आप. किसी रस्सी के सिरे सुरक्षित करना वीपिंग कहलाता है. इफ आप रस्सी के एंड पे कोई भी प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे तो रस्सी के सिरे इस टाइप से खुलते चले जाएंगे और इससे रस्सी ढीली हो जाएगी और रस्सी खराब हो जाएगी. तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बचाया जा सकता है बाय थ्रेड मेथड. मतलब मैं आज आपको वीपिंग सिखाऊंगा बाय थ्रेड मेथड. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, धागे का एक छोर ले लेना है, उसका एक लूप बनाना है. ठीक है, उसका एक लूप बना के इसके ऊपर सिंपली रख देना है. और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने हिस्से में आपको वीपिंग करनी है उसके ऊपर एक लूप रहे और उसके नीचे एक सिरा आपका निकला रहे. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये रहा इसका एक सिरा ऊपर लूप. अब क्या करना है, इस थ्रेड को इसके ऊपर लपेटना चालू कर देना है. एक लिमिटेड एरिया तो ऊपर लपेटे, एक लिमिटेड एरिया तो नीचे लपेटे. इसमें एक चीज़ का और ध्यान दें, इसमें जो आपने ऊपर लूप बनाया था वो पूरी तरह से इसके अंदर ना कवर हो जाए और जो आपने नीचे एक थ्रेड छोड़ा था, नीचे ये वाला थ्रेड है, ये आपका कवर पूरी तरह से ना हो जाए. तो आप इसको पहले लपेटते रहिए. इसको पूरा लपेटने के बाद क्या करना है आपको, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. इसको अच्छे से लपेटें जिससे कि इसमें बीच में जो थ्रेड का कलर है, जो भी आपके थ्रेड कलर का यूज़ कर रहे हो, सिर्फ वही दिखाई दे, नीचे रस्सी का कलर ना दिखाई दे. इससे वीपिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है. ठीक है, इसको पूरी तरह से अच्छे से लपेट दें. ये देख रहे हैं मैं इसके ऊपर कैसे लपेट रहा हूँ इसको. ये इसका एक सिरा मेरे हाथ में है ही है और ऊपर जो ये लूप हमने छोड़ा था है, ये लूप, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, इस लूप को आप ऊपर ही छोड़ दें. अब इसको यहाँ से यहाँ तक लपेटते रहे. अब पूरी तरह से लिपट, देखिए अब ये पूरी तरह से लिपट जाने के बाद इसे आपको क्या करना है, इसमें आपको इस थ्रेड को अब कैची से आप थोड़ी दूरी से काट दें है. अब जो ये ऊपर आपने एक लूप बनाया था है, इसके बीचों बीच में जाकर, ये देखिए ये आपने लूप बनाया था, इस लूप के इस सिरे को इसके पास ले जाएं और इस लूप के अंदर इसको पिरो दें. ये लूप था आपका, ये लूप था, इस लूप के अंदर आप इसको पिरो दीजिए. ठीक है, इस लूप के अंदर इसको आप पिरोने के बाद आपको क्या करना है, पूरी तरह से पिरो देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस धागे को नीचे खींचेंगे तो वो लूप ऑटोमेटिकली अब खींचने लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है, तो और ये धागा इसके अंदर ऑलरेडी पिरा हुआ है, आप इसको धीरे धीरे नीचे खींचेंगे तो एक टाइम पे ये बिल्कुल अंदर की तरफ आने लगेगा और इस लूप धागे को भी वो अपने साथ अंदर खींचने लगेगा. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको खींचेगा स्लोली स्लोली, जिससे धागा जल्दी से टूटे नहीं, थोड़ा सा धागा ये अंदर चला जाए. हाँ, तो ये अपने आप थोड़ा सा खींचने के बाद ये टूट ही आएगा, इसको हटा दीजिए, तो कोई काम नहीं है. अब जो ऊपर आप जितना भी आपका धागा बचा है इसको आप आराम से काट दीजिए और इसको नीचे से भी बचा कुचा काट दीजिए. अब जो ये सिरे थे जो आपके ये निकले हुए हैं इनको भी आप काट दीजिएगा. इनको सफाई से काटने के बाद काटते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि धागा कहीं और से, थ्रेड कहीं से कटे ना, तो पूरी वीपिंग खराब हो जाएगी. इसको काट देने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी वीपिंग. अब इसमें फ़ायदा सुनो, ये आपकी कंप्लीट हो गई, अब ये रस्सी खुलेगी नहीं, अब अपने आप ना ये वीपिंग खुलेगी और ना ही अभी रस्सी के सिरे खुलेंगे क्योंकि ये बांधे जा चुके हैं. ऐसा ही आप इसके दूसरी तरफ भी कर दीजिएगा, रस्सी के दूसरी तरफ भी आप कर दीजिएगा.
जैसे मैंने पहले कल पहले से ही करके रखा हुआ है, ये रहा दूसरे तरफ, आप दोनों तरफ कर दीजिए जिससे आपको रस्सी को यूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है, मतलब इससे दो अलग अलग कलर से करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको गांठों के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि आपका चुस्त सिरा कौन सा है और सुस्त सिरा कौन सा है, वह मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। इफ़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं ऐसी ही वीडियोज़ इस चैनल पे टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कमेंट मी, आई विल ऑल्सो रिप्लाई। थैंक यू।